अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है चिकन मैक्रोनी। बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, और ये रोनी बहुत तरीके की बनती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं तो ये बहुत मज़े की बनती है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए 3 बड़े टमाटर लिए हैं और इसका मैंने छिलका उतार दिया है। 3 अदर टमाटर लिए हैं और इसे मैंने बारीक काट लिया है। और ये मैंने 1 गाजर ली है और इसे भी मैंने ऐसे लंबे लंबे करके काट लिया है। और यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा पाव मैंने चिकन लिया। चिकन जितनी आपकी मैक्रोनी आप उस हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है और इसे भी बारीक बारीक काट लिया है क्यूब्स में। और 1 छोटा वाला प्याज लिया है, इसे भी काट लिया है। और हरी मिर्च, और ये मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर तकरीबन आधी चमची, और ये काली मिर्च आधी चमची काली मिर्च ली है, और आधी चमची मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और आधी चमची मैंने लाल मिर्च ली है। और नमक हसबे जायका, क्योंकि जब हमने मैक्रोनी बॉयल की थी उसमें भी हमने 2 चम्मच नमक डाला है। और हमने मैक्रोनी बिल्कुल सिंपल पानी में बॉयल की थी, इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच नमक डाला था। और मटर भी मैंने साफ़ करके मटर भी इसमें मैंने डाल दिए थे। मटर जो हैं वो हमारे इतने जल्दी नहीं गलते, तो इसलिए इसमें हाफ कुक हो जाते हैं मैक्रोनी के साथ। और बाकी जो आप मसाला पकाएंगे, मैक्रोनी पकाएंगे, तो उसमें अच्छे तरीके से पक जाएंगे। और केचप आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें 3 चम्मच भर के केचप डालूँगी, लेकिन ये मैक्रोनी बहुत मज़े की बनती है, और ये थोड़ी सी स्पाइसी मैक्रोनी होती है, बहुत मज़े की बनती है। इसमें तकरीबन आधे कप से भी कम मैंने इसमें ऑयल डाला है। और अब इसमें मैं ये प्याज शामिल करूँगी। और इसमें मैं बताना भूल गई थी, मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और बस अब इसे लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। अगर आपके बच्चे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और इसमें ये सारे मसाले भी डाल दूँ इसमें से। अब इसे हम ढक्कन लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए रख लेंगे, उसमें हमारे टमाटर भी गल जाएंगे। अब इसे हल्की आंच पे हमने तकरीबन 5 मिनट तक रखना है। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और गाजर शामिल करेंगे। और अब देखेंगे अच्छे तरीके से चिकन भी गल चुकी है और हमारी जो गाजर है ये भी सही हो चुकी है। इसे बिल्कुल गलाना नहीं है, गाजर को हल्का सा बस सौते करना है। और अब इसमें मैं ये मैक्रोनी डाल दूंगी। और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। Thank you.
तेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। और गैस हमने स्लो रखना है, जिसकी स्लो रखे। और अब इसमें सोया सॉस और विनेगर और चिली सॉस डाल देंगे। और अब इसमें मैं ये 3 चम्मच भर के केचप के डालूंगी। और आप इसे मिक्स करें, ये बहुत मज़े की बनती है और ये बच्चे भी बहुत आसानी से खा लेते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके और हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्का गैस करके इसे दम पे रखेंगे। 5 मिनट के बाद इसे निकालेंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी बनती है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें मिलते हैं किसी और ऐसी ही झटपट और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।